अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल व्हिच इज लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम है। और आज की रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी बनने जा रही है, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है और टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और पाकिस्तान कुजीन की बहुत ही फेमस रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरीसा। तो हरीसा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए मैंने अपने किचन काउंटर पर रखी हैं, बहुत फेमस डिश है यहाँ की। तो चलिए आज की रेसिपी तैयार करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए मैंने किचन काउंटर पे रख लिए हैं। यू कैन सी ऑल द इंग्रेडिएंट्स, हमें इसमें क्या क्या चाहिए मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ। थोड़ी सी ये है कि आपको पेशेंस वाली रेसिपी है, बहुत पेशेंस के साथ बनाना होता है। यहाँ पर मेरे पास हरी मूंग की दाल है छिलके वाली, तो आधे कप के करीब है वो और भी गोली। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर जो है वो गेहूं है, गेहूं वीट है मेरे पास, वो हमने भी गोलिए। साथ मेरे पास चावल है आधे कप के करीब, वो भी गोलिए। यहाँ पर मेरे पास मटन है, तो मटन आपने ले लेना है हाफ के जी के करीब है मेरे पास, तो आपने हाफ के जी के करीब लेना है। नमक है, उसके बाद साथ ही साथ मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है एक खाने का चम्मच। यहाँ पर जीरा पाउडर, मैंने जीरा को क्रश कर लिया था, पाउडर नहीं बनाया था। साथ ही साथ मेरे पास हरी जो है वो चटनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हम दालों को बाद में करेंगे, दाल और वीट को और चावलों को बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम मीट को करेंगे कुकर के अंदर इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मीट को डाला मटन को और उसके अंदर यहाँ पर दो खाने के चम्मच के करीब मैंने हरी चटनी डाल दी है, जो कि सब्ज़ मिर्च और धनिया की चटनी थी। इसके साथ मैंने इसके अंदर जीरा पाउडर का जो मसाला था वो ऐड कर दिया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। हाफ मैं इसमें डालूंगी और हाफ हम कबाबों में डालेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो काली मिर्च पाउडर था वो ऐड कर दिया, साथ ही हम इसमें हसबे जायका नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर दो कप के करीब पानी मैं डाल रही हूँ, दो बड़ी कटोरियों के करीब मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि जिसके अंदर मीट अच्छे से कुक हो जाए। और इसको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस में हमने कर लेना है, बाद में बिल्कुल रेशा रेशा कर लेना है। और उस तरह से करने के बाद हम लोग जो है जैसे हलीम में डालते हैं, उस तरह से हमने इसके अंदर जो हरीसा है उसके अंदर हम डालेंगे मटन को। तो अब आप देखें कुकर मैंने बंद कर लिया, फॉर 45 मिनट्स हमने कुकर को रख देना है। और हल्की आंच पे यहाँ पर नमक है, मेरे पास गरम मसाला है, इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर बेसन है और यहाँ पर लहसुन का पेस्ट है और साथ हरी मिर्च का पेस्ट है। यहाँ पर मेरे पास कीमा है पाव के करीब, तो एक पाव के करीब मैंने मटन का कीमा लिया है। ये जो हरीसा की स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो कबाब होते हैं वो इसके ऊपर हम डालते हैं। तो आप गोला कबाब बना लीजिए या लंबे लंबे कबाब बना लीजिए, जिस तरह भी आपको पसंद हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे से कबाब हम साइज में बनाएंगे। हम आप देख सकते हैं कि तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मैं कबाब की रेसिपी के अंदर ये डालती जा रही हूँ। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है कि ये तमाम चीज़ें जब मैं डाल दूंगी, आप देखिए बेसन मेरे पास जो है वो आधा कप के करीब है। लहसुन डालने के बाद मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी, तो बेसन इसको टाइट करने के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हाफ कप के करीब मैंने बेसन ऐड कर दिया। तो बेसन आप देख लीजिएगा, अगर आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से अपनी स्पाइसेस मैनेज कर लीजिएगा और उसको सिलबट्टे में या फिर चॉपर में आप कूट लीजिएगा। तो कूटने के बाद आप देख लीजिए कि इसकी शक्ल इस तरह से हो गई है। और यहाँ पे आप जो दालें देख रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि यहाँ पर हरी मूंग की दाल छिलके वाली है मेरे पास, जिसको मैंने आधा कप लिया है, और वीट मेरे पास जो है वो भी आधे कप के करीब है, और जो मेरे पास है चावल वो भी आधे कप के करीब है। इनको हमने सोक करना है ओवरनाइट, तो ओवरनाइट आपने सोक करना है इनको पानी में। इसके बाद अब आप देखिए कबाब जो हैं वो बेसिकली मैं इस तरह से छोटी छोटी शक्ल में बनाती जाऊंगी। तो व्यूअर्स ये कबाब बनाएंगे, इनको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम रख देंगे अपना
जो हरीसा के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वीट और हरी मूंग की दाल और चावल, इनको कुकर में रखेंगे, पानी डालेंगे और इनको एक घंटे के लिए पकने देंगे। तो इसको आपने हल्की आंच पे एक घंटे के लिए पकने देना है ताकि अच्छे से हमारे वो बन जाए। और साथ ही साथ हम इसमें पालक और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे। पालक को मैंने अच्छे से कूट लिया था, धो लिया था, कूट लिया था, उसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और फिर हम उसको उसके बाद उसको उसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं, आप देखते रहिए। अब ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। और अब करते हैं आज की अच्छी बात का आगाज। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो है वो बेसिकली बेस्ड अपॉन द वेरी जो है अच्छा वाला मॉरल से हमें मिलेगा। तो इट्स अपॉन अफ्यूजन्स कि आप अफ्यूजन्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक मरतबा व्यूअर्स, दो भाई रहते थे, लोग उनकी बहुत जो है वो तारीफ करते थे, उनकी मोहब्बत और उनकी अख़ुवत की मिसालें दिया करते थे लोग। तो व्यूअर्स, बड़ा भाई जो था वो शादीशुदा था और चार बच्चों का बाप था, और छोटा भाई गैर शादीशुदा था। दोनों भाई बटनों का काम किया करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में दो मरतबा अपने तैयार किए हुए बर्तनों को ले जाकर उनको बेचा करते थे, अपनी पसंद की चीजें ले आया करते थे जरूरत जिंदगी से मुतल्लिक। इस कारोबार से उन्हें अच्छी रकम वसूल हो जाया करती थी। हंसते मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। व्यूअर्स शहर से अभी दूर ही थे कि दोपहर का वक्त हो गया, उन्होंने एक शेडोफुल ट्री के नीचे वजू करके नमाज जुहर अदा करनी शुरू कर दी। जुहर की नमाज पढ़ी, खाना खाने के बाद एक शख्स को देखा कि उसकी कदमों की आहट उनको महसूस हुई। वो शख्स आया और क्या व्यूअर्स, और फिर काफी पैसे उनको मिले। इसके बाद वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। वहां इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरतुल नास की तशरीह फरमाई और उन्होंने बताया कि शैतान किस तरह इंसानी दिमागों में वसवसे यानी अफ्यूजन्स पैदा करता है, और फरमाया कि अगर कभी तुम लोगों के दरमियान में आपस में वसवसे पैदा होने लगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ें, इस तरह वो शैतानी वसवसों से दूर हो जाएगा। दोनों भाइयों को की समझ में ये बात आ गई। व्यूअर्स, वो मस्जिद से निकले, उन्होंने अपने दिल को टटोला और एक दूसरे के बारे में जो उनके दिल में अफ्यूजन्स थे यानी वसवसे थे उस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ी। अजनबी फौरन, जैसे ही उन्होंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ी, अजनबी फौरन गायब हो गया और उन्होंने एक दूसरे को सब बता दिया। और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि शैतान के शर से वो महफूज हो गए और उनको अफ्यूजन्स जो आ रहे थे, जो शैतान उनके दिल में वसवसे पैदा कर रहा था, वो वसवसे खत्म हो गए। तो व्यूअर्स, इस तरह से होता है, हमें इस स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो ये है कि कभी भी हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अफ्यूजन्स के ऊपर, क्योंकि जो अफ्यूजन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे